हुआ ये है कि बड़ी मुश्किल से विभू और तिवारी जी निकले, क्योंकि दोनों ही कहीं अपनी अपनी बीवियों के साथ जाने में इंटरेस्टेड है नहीं। लेकिन इस बार कुछ मसला इस तरह का है कि टीका और मलखान ने अपनी एक एजेंसी शुरू की है, ट्रैवल एजेंसी, और इसीलिए किसी डिस्काउंट में उन लोगों ने हम सबको, पूरी कॉलोनी को लेकर गए। लेकिन एज़ यूजुअल ये जो हमारे रोहित जी, सॉरी तिवारी और प्रभु जी हैं, कुछ रायता फैलाएंगे, वो रायता आप एपिसोड में देखो। जी ये तो रही रील बात की आप कर रहे थे, बट ऐसा कोई आपका स्पेशल एक्सपीरियंस रहा है रियल लाइफ में, ट्रेन विन में कभी ट्रैवल किया है और जर्नी कभी? जी जी मैंने ट्रेन में बिल्कुल ट्रैवल किया है, बचपन में बहुत ट्रैवल किया है। और जो सबसे ज़्यादा याद मुझे रहता है वो मम्मी जो डब्बा बना के दिया करती थी, मुलायम पूरियाँ जो दूध में गूंद कर बनाई जाती थी, भरमा बैंगन, आलू की सब्ज़ी, साथ में एक छोटी सी अचार की डिबिया होती थी, और फिर पैक करे हुए कुछ नमकीन होती थी, मट्ठी के साथ आम का अचार भी पैक किया होता, तो वो सारी यादें बहुत ताज़ा हो गई। जी आप बताइए शुभांगी जी। अरे बहुत सारी यादें हैं, मुझे तो सबसे पहले अपनी बर्थ बुक कर लेते थे, ऊपर वाली अपर वो जो होती थी बर्थ वो बुक कर लेते थे, और प्लेइंग कार्ड्स लेके बैठते थे। तो वी आर थ्री सिस्टर्स, तो हम तीनों ही मतलब पत्ते खेलते हुए जाना, हर स्टेशन पे जो जो खाने का आता था वो खाते रहते थे। वो सारी तो बहुत ही अच्छी अच्छी यादें जो स्टेशन को देख के ताज़ा हो गई। जी डीडीएलजे वाले लेकिन हमारे शो में एक ट्विस्ट है कि वो एक्चुअली हमारे हाथ कभी आते नहीं है हमारे हस्बैंड, और सबसे पहली बात ये है कि वो उनका निशाना भी अपनी अपनी बीवियों की तरफ नहीं है, दूसरे की बीवी की तरफ है। थैंक यू।